नुकसान पे नुकसान। अरे कहाँ हो तुम लोग? साला ये तो नक्शा ही पलट गया। कहा तो हम मिल बंद करके उस जमीन पर 7-स्टार होटल डालने की सोच रहे थे, और कहा ये सरकारी नोटिस आ गया। अगर घाटा ही घाटा है तो सीक यूनिट करके सरकार खुद मिल पर कब्जा कर लेगी। मैं तो अभी बोलता हूँ वर्करों को बोनस देके मिल को शुरू कर लो, वरना एक्साइज चोरी और इम्पोर्ट लाइसेंस के जरिए जो भी कमाते थे हाथ से जाएगा। अरे काहे को देते बोनस? 2400 वर्करों को पिछले 6 साल से बोनस नहीं दिया है। अंदाजा है तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा? बिहारी अंकल, मेरे हिसाब से तो बचने का यही तरीका है, जिससे मिल भी बची रहे और गरीब वर्करों की दुआएं भी मिले। अरे तो क्या हमने गरीबों का ठेका लिया है? अपनी तो भाई जी एकदम साफ पॉलिसी है, 10,000 गरीबों को मारो और 1 अनाथ आश्रम को चंदा दे दो और बन जाओ दानवीर। बिल्कुल ठीक। हम अमीर इसलिए हैं क्योंकि हमें गरीबों को गरीब बनाए रखने की टेक्निक आती है। बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँ कि मिल को आग लगा दो, ना बोनस देना पड़ेगा ना कमसा। लो आ गए सिंघाल अंकल। सर आज 11 बजे की मीटिंग आपकी मिस्टर दिग्विजय और सर आसलन चोपड़ा में है। प्रणाम सिंघाल साहब, आइए बैठिए। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या बातचीत चल रही है? आप तो ऐसे मजे में हैं सिंघाल साहब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे इस नोटिस में सिर्फ 8 दिन का वक्त दिया है, 8 दिन का। देखिए अगर ये सोने जैसी जमीन सरकार के हाथ में चली गई तो आपका 7-स्टार खोल के करोड़ों कमाने का सपना सपना ही रह जाएगा। मेरे सपने हमेशा सच हुए हैं जालान, तुम बेकार की फिक्र मत करो। जरा रवि को आ जाने दो, सारी मुश्किलें चुटकियों में आसान हो जाएंगी। मगर जमाई बाबू हैं कहाँ? वो आए क्यों नहीं इस मीटिंग में? वो दिल्ली गया है एक मिनिस्टर के बेटे का केस लड़ने हाई कोर्ट में। मिस्टर रवि, इससे पहले वो कितनी मासूम लड़की के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेल चुका है, क्या वो मिनिस्टर का बेटा इसलिए बच जाएगा? मिस्टर रवि, गुड मॉर्निंग मिस्टर रवि, मेरे बेटे ने रेप किया है। अगर ये सच है तो मैं इसे झूठ साबित कर दूंगा। ताजुब की बात है जज साहब कि इंडियन पीनल कोड में अगर खून की दफा 302 है तो बलात्कार करने वाले की दफा उसके आसपास 301 या 303 क्यों नहीं? क्यों बलात्कार करने वाले को दफा 310 दी गई है, जो मामूली जेब काटने या डराने धमकाने जैसे जुर्म के काबिल है? इसका नतीजा यह है जज साहब कि बलात्कार करने वाले को सिर्फ 7 साल की सजा मिलती है। मेरा बस चलता ना जज साहब तो मैं बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा दिलवाता, फांसी की। सर, रवि वर्मा आपके बेटे का केस लड़ रहा है कि उनके खिलाफ? लेकिन बड़े दुख की बात है जज साहब कि बलात्कार का शिकार होने वाली बाइज्जत और बेकसूर लड़कियों को अक्सर कानून से न्याय नहीं मिलता, और वो इसलिए मिलौट क्योंकि मिस रागनी जैसी औरतें बलात्कार के लफ्ज को हथियार की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इन औरतों की वजह से जब भी कोई लड़की सचमुच की फरियाद लेकर आती है तब भी कोई उस पर यकीन नहीं करता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर रवि तो मेरे मुवक्किल के दावे को ही झूठा ठहरा रहे हैं, जबकि मैं 3-3 गवाह पेश कर चुका हूँ जिन्होंने मिस रागिनी को बुरे हाल में मिस्टर विजय के कमरे से निकलते हुए देखा है। लगता है कि मेरे काबिल दोस्त ने उन लड़कियों के बारे में नहीं सुना है जो खुद अपने हाथ से अपने कपड़े फाड़ कर चीखती चिल्लाती तमाशा खड़ा कर देती। ऑब्जेक्शन, ये तो सरासर झूठी तोहमत है। झूठ सच का फैसला अगर आप करेंगे मिस्टर प्रोसिक्यूटर तो फिर जज साहब की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जिन 3 गवाहों का जिक्र मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं, यानी कि होटल ब्लू मून के रिसेप्शनिस्ट, वेटर और गेटमैन, मैं चाहूंगा कि उन 3 को लाकर कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि अब तक उन्होंने अदालत को सिर्फ उतना ही बताया है जितना उनसे पूछा गया। उन लोगों ने अदालत को यह नहीं बताया कि उन्होंने मिस रागनी को उस होटल में पहले भी कई बार अलग अलग कमरों में रात बिताते हुए। ये झूठ है। कितना चार्ज करती हैं आप एक रात का मिस रागनी? 2,000, 2,500 या 3? अब बकवास की तो मैं ज़बान खींच लूँगी तुम्हारी। 5 लाख तो नहीं लेती होंगी जो तुमने मिस्टर विजय से डिमांड किए थे? यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा मिस रागनी, क्योंकि जो लड़की धंधा कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, वो खून भी कर सकती है। यू रास्कल, जस्ट शट अप, ओके? जस्ट शट अप। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जस्ट अ मिनट मिस रागिनी, नहीं मुझे बोलने दीजिए। मिलॉर्ड, मिस्टर रवि मुकदमे को गलत टर्न दे रहे हैं। मिलॉर्ड,
ये रही मिस रागिनी के ग्राहकों की लिस्ट, जिन्होंने 2,500 रुपए देकर उसके साथ रात गुजारी है। उनमें से कई इस अदालत में भी मौजूद है। आपने झूठे गवाह पैदा किए हैं। आपके 3 गवाह भी हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्वत देकर आपने उनको भी अपनी ओर कर लिया होगा। आप उस पर बड़ा संगीन जुर्म लगा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ये साबित नहीं किया जा सकता। तो फिर आप चुपचाप अदालत की कार्यवाही को चलने दीजिए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अप्रोच द बेंच। मिलॉर्ड, कम टू माय चैम्बर। अदालत की कार्रवाई 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। एक शरीफ औरत को बाजारू औरत साबित करके आप अच्छा नहीं कर रहे मिस्टर रवि। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी मिस रागिनी पर मैं एक दावा और भी ठोकूंगा, मानहानि का 10 लाख और ब्लैकमेल की सजा 3 साल की, और साथ में जुर्माना भी, और जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर रवि, नहीं मैं ये कहना चाहता था कि बलात्कार का ये मुकदमा अगर मैं वापस ले लूं तो क्या आप वादा करते हैं कि रागिनी पर आप ब्लैकमेल और मानहानि का दावा दायर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, वादा करता हूं। मिस रागिनी के वकील ने मुकदमा वापस ले लिया है, इसलिए ये अदालत मिस्टर विजय मेहता को बाइज्जत बरी कर दी है। आपने तो कमाल कर दिया मिस्टर रवि, ये रही आपकी फीस। और हाँ, वादे के मुताबिक ये 17 एकड़ के फार्म हाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है। आइंदा अपने बेटे से कहिएगा कि रेप वेप ना करे, वरना मैं अगली बार दुगनी फीस लूंगा। हेलो, क्या कर रही हो जान? तुमसे मतलब, कल आने वाले थे और आज आ रहे हो, गाड़ी से बोल रहे हो? फ्लाइट कैंसिल। डोंट टेल मी। अगली में कम से कम 2 घंटे और हैं। मैं मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं, लेकिन हाँ, इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना। शट अप दाई। हाँ बिटिया, उनका फोन आया था, फ्लाइट कैंसिल है, कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। अरे तो 2 घंटे तो 2 घंटे में बीत ही जाएंगे ना, और फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी ट्यूशन से। फिर क्या फायदा। हेलो हेलो, अब क्या कर रही हो जान? मरने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ पंखे से लटकूं या अपनी उंगलियां बिजली के प्लग में डालूं। अरे तुम्हारी अगली फ्लाइट का क्या हुआ? हो जाएगा हो जाएगा, जान का जान के लिए इंतजार करने का मजा ही अलग है। सब्र कर, फल मीठा ही मिलेगा। देखो दूर बैठे तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, सामने आओ तो बताऊं। अगर आ गया तो क्या कर लोगी? दबोच के पलंग पे पटक दूंगी। फिर तुम्हारी टाई खींच कर एक तरफ और तुम्हारे जूते निकाल कर एक तरफ फेंक दूंगी। फिर कस के किस लूंगी। फिर सारी बातें फोन पे करूं क्या? ओहो, फोन पर तो सिर्फ मेन्यू पूछ रहा हूँ मेरी जान, खाना तो पलंग पे ही खाएंगे। यू रास्कल। ओए रवि, रास्कल एट योर सर्विस। ओह माय गॉड, मेरी जान, आई डोंट बिलीव दिस। बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में। बहुत मजा आता है। ए तो हो जाए। मूड नहीं है। ओए तेरी मूड की तो। अरे रे रे रे।